मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार एवं होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति मुजफ्फरनगर जनपद के जानसड़ में नवीन जेल के निर्माण के लिए भूमि निरीक्षण के लिए जानसड पहुंचे। निरीक्षण के उपरांत शाम को मुजफ्फरनगर जिला कारागार में बंदियों के साथ संवाद किया और उनको एहसास कराया कि उनकी किसी एक गलती के कारण आज उनके परिवार के सदस्य विकट परिस्थितियों में जीवन जीने को लिए मजबूर है। जब उनकी पारिवारिक परिस्थितियों को मंत्री जी ने बंदियों के समक्ष रखा तो बंदी भावुक हुए और भावुक होने के उपरांत उन्होंने हाथ जोड़कर संकल्प किया कि एक बार जेल से बाहर जाने के बाद कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिसके कारण हम जेल में आए हैं और हमारा परिवार परिस्थितियों के संकट में आया है। जिला कारागार मंत्री जी के साथ में जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन, जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा एवं SDM जानसर सुबोध कुमार व भाजपा के वरिष्ठ नेता संजीव संगम आदि मौजूद रहे। अगर पहुंचे थे आप, निरीक्षण किया जेल का, क्या मिला, क्या संवाद हुआ? देखिए, आए थे हम थे कि यहाँ नई जेल का मुजफ्फरनगर में निर्माण होना है और उसकी ज़मीन की प्रक्रिया चल रही है देखने की, तो ज़मीन देखनी थी और ज़मीन देखनी थी तो समय 1.5 घंटे का हमारे पास 2 घंटे का समय था। तो हमने सोचा कि चल करके बंदियों के साथ कुछ जो संवाद हम करते हैं, बातचीत करते हैं, वो बंदियों के साथ हो जाए। और जब संवाद हम करते हैं, संवाद इसलिए करते हैं कि 40 साल से नीचे की युवाओं की संख्या 80% जेल में है, 80 से 85%। युवा हमारे देश का भविष्य होता है, युवा हमारे प्रदेश का भविष्य होता है। किसी कारणवश देश का प्रदेश का भविष्य न बन पाए तो अपने घर का भविष्य होता है, और भविष्य जेल में हो तो ये अच्छी बात नहीं है। और क्यों है, युवा ही क्यों है, इसलिए मन में ये आता है कि उनके साथ बातचीत करके उनको दिमाग उनका बदला जाए। उनको जब हम संवाद करते हैं तो उनको उनके परिवार से कनेक्ट करते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि आपके जेल में आने के बाद आपका परिवार किन परिस्थितियों से गुजरता है, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, बहन है, भाई है, माता है, पिता है, किन परिस्थितियों से गुजरते हैं और आपके बाहर ले जाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ दौड़ते हैं। जब उनको एहसास होता है तो तमाम कैदी भावुक भी होते हैं और उस समय फिर वो संकल्प भी करते हैं कि हम उनसे कहते हैं कि आप संकल्प करिए कि कम से कम जब न्यायालय के माध्यम से जब बाहर जाएं तो कोई दोबारा ऐसी गलती न हो जिसके कारण आप लोग अंदर आएं और आपका परिवार परिस्थितियों से गुजरे। उस समय वो संकल्प करते हैं। हम मानते हैं कि 100, 200, 300, 500 बंदी संवाद में है, लेकिन 10%, 20%, 30% भी अगर बदलाव होता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसलिए संवाद करके कोशिश हमारी ये है कि वो बंदी दोबारा कोई गलती न करें। और पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों को कौशल विकास SME से हमने जोड़ा है, इसलिए जोड़ा है कि वो बच्चे काम सीखेंगे, जेल से बाहर जाने के बाद स्वरोजगार से जुड़ेंगे और रोजगार से जुड़ेंगे तो कोई भी गलती दोबारा ऐसी नहीं होगी जिसके कारण वो जेल में आए और परिवार परिस्थितियों से गुजरे। पूरे उत्तर प्रदेश में है ये स्थिति, कहीं कंप्यूटर हैं, कहीं कुछ है, कुछ है, कहीं सिलाई बनाई, कढ़ाई कराई है। सीख पा रहे हैं? बिल्कुल सीख रहे हैं, बिल्कुल सीख रहे हैं। ये यही है, नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में। बांदा में हमने अभी 15 कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन किया था, हमने फिरोजाबाद में किया था, हमने आगरा में किया था, ऐसे हर जिलों में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मंत्री जी, नहीं जी, निरीक्षण नहीं किया, कैदियों के साथ संवाद किया। मंत्री जी, जेल चौपाल भी लगने जा रही है मुजफ्फरनगर जेल में, क्या इसका? देखिए, सभी कैदी पेशेवर अपराधी नहीं है, तमाम अनायास घटित घटना में कैदी हैं। उनके लिए हमारा प्रयास है कि उनके साथ मानवीय दृष्टि से उनको सुधरने का अवसर भी दिया जाए, वो प्रयास हमारा है। और पेशेवर अपराधियों के लिए न्याय के अनुसार, नीति के अनुसार जो व्यवस्था है वही व्यवस्था रहेगी, लेकिन जो अनायास घटित घटना में उनको सुधरने का अवसर भी दिया जाए, ये प्रयास है। G20 चल रहा है, जो भारत और इंडिया की लड़ाई में इसको क्या देखते हैं, क्या इंडिया का नाम भारत करने के पीछे भाजपा का क्या उद्देश्य है? बहुत सारी चीज़ें बदलने के लिए बहुत सारा रुपया पैसा खर्च होता है, कई देशों ने इस स्थिति को देखा भी है, प्रदेशों के नाम चेंज होने में करोड़ों का खर्चा आता है, पूरे देश को अगर नाम परिवर्तन करेंगे तो विपक्ष कह रहा है कि पूरा बदल देंगे तो फिर कैसे चलेगा? अभी विपक्ष कह ही रहा है, ये जब चर्चा होगी आगे तो उसमें सब आपके सामने आ जाएगा। आज भोजपुर सभी को बुलाया गया, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने नहीं बुलाया, जिसको लेकर कांग्रेस रोष भी जता रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का कोई ना बुलाया गया हो। मोदी की हार को क्या कहेंगे? चुनाव है, चुनाव हारते हैं, चुनाव जीतते हैं। हम एक बार दो हमारी सीटें थी लोकसभा की और 2 से हम पूर्ण बहुमत तक पहुँचे,
17 से पहले हमारी स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर थी, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की जनता ने दो बार हमें सत्ता दी, केंद्र में हमें सत्ता दी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा पूरा दृढ़ विश्वास के साथ तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी।